Assalamu alaikum, I am Asad Akbar and you are watching Study Page. Welcome to the new lecture. In this lecture, we are going to study about how to separate interface from implementation in object-oriented programming. So the title is Separating Interface from Implementation, and this is lecture 5. So let's start. Interfaces, what means by an interface? Interface kya hota hai? So interface is defined and standardized the way in which things such as people and system interact with one another. हर वो चीज़ जिसके थ्रू हम किसी मशीन के साथ या हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करता है, सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड इंटरफेस. कंसिडर करें, आप कार ड्राइव करते हैं तो कार इज़ अ मशीन और इट्स एन ऑब्जेक्ट. लेकिन आप ड्राइव किस तरह करते हैं, आपको इंटरफेस दी गई है विच इज़ स्टीयरिंग व्हील, और उसके साथ साथ जो ब्रेक है या जो भी आपके पास और इस तरह की चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप या स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेलेटर है एट्सेट्रा. सो दीज आर इंटरफेसेस. सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज वे है कार चलाने के लिए. आप किसी भी घूमने की कार में फॉर एग्जांपल बैठ जाए और उसको चलाने के लिए आपको यही इंटरफेसेस मिलेंगे. सो दीज डिफाइन एंड स्टैंडर्डाइज द वे इन विच डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर. The interface of a class describe what services a class clients can use and how to request those services, but not how the class carries out these services. Interfaces क्या define करता है कि एक class हमें कौन कौन से services provide करता है, ठीक है. सो ये हमें interface बताता है, लेकिन ये हमें नहीं बताता कि ये जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये क्या सर्विसेज किस तरह ये प्रोवाइड करता है. वही कार का एग्जांपल लेते हैं. हमें पता है कि अगर हमें अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी को रुकवाना हो तो हम ब्रेक दबा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ब्रेक दबाने से क्या होता है जिसके बदौलत गाड़ी रुक जाती है. सो दिस इज़ इंटरफेस. हमें सिर्फ इंटरफेस का पता है, इंटरफेस के पीछे जो वर्किंग है उसका हमें पता नहीं, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. या फॉर एग्जांपल इन सी प्लस एस प्रोग्रामिंग अगर आप देखें तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सी आउट और ए प्लस बी. यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो हमें स्क्रीन के ऊपर 15 मिल रहा है. तो हमें तो ये पता है कि मैं सी आउट ए प्लस बी लिख दूँ तो 15 मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है. सो द प्लस ऑपरेटर इज़ एन इंटरफेस फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑपरेशन. सिमिलरली द सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ एन इंटरफेस फॉर परफॉर्मिंग आउटपुट टुवर्ड्स द स्क्रीन. मैं अगर स्क्रीन की तरफ आउटपुट भेजना चाहता हूँ तो मैं सी आउट को यूज़ करूँगा, दिस इज़ एन इंटरफेस. बट मुझे ये पता नहीं कि सी आउट लिखने से क्या होता है जिसकी बदौलत मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे करेक्टर्स नज़र आते हैं, ठीक है. सो अ क्लास पब्लिक इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द क्लास पब्लिक मेंबर फंक्शन. एक क्लास के वो पब्लिक मेंबर फंक्शन जो हम क्लाइंट्स को दे देते हैं और उनको बताते हैं कि इन मेंबर फंक्शन को यूज़ करके आप फलाना फलाना काम कर सकते हैं. सो दीज मेंबर फंक्शन आर का इंटरफेसिस. जिस तरह हमें प्लस दिया गया है कि अगर आपने दो नंबर को ऐड करना हो तो आप प्लस यूज़ करें, हमें माइनस दिया गया है कि अगर आप एक नंबर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप माइनस यूज़ करें. सो दीज टू आर द इंटरफेसिस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. तो हमें सिर्फ यही पता है कि हम इन ऑपरेटर को फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं. हमें ही नहीं पता कि जब हम प्लस यूज़ करें या माइनस यूज़ करें तो पीछे क्या होता है जिसकी बदौलत कैलकुलेशन हो जाती है. दिस इज इंटरफेस एंड दिस होल दिस प्लस एंड माइनस आर इंटरफेसेस एंड दिस होल कॉन्सेप्ट इसका ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. हमें इसेंशियल चीज़ें दी गई है और डिटेल हमसे हाइड किया गया है. नाउ सेपरेटिंग द इंटरफेस फ्राम इम्प्लीमेंटेशन. अभी तक जो हम क्लासेज लिख रहे थे तो एक क्लास के एक प्रोग्राम के अंदर हम अपना पूरा क्लास मेन फंक्शन और सब कुछ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अभी हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्लासेस लिखेंगे उसमें हमारे क्लास डिफिनीशन, हमारी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन और हमारा मेन फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है. सो फार वी आर राइटिंग क्लास डिफिनीशन एंड इट्स मेंबर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इन वन फाइल. हाउएवर इट इज़ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस टू डिफाइन मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास डिफिनीशन सो दैट देयर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कैन बी हिडन फ्रॉम द क्लाइंट्स कोड. अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के लिए कोड लिख रहे हैं और आपने पूरा प्रोग्राम एक फाइल के अंदर लिख दिया पूरा क्लास और अपने क्लाइंट को दे दिया, तो हो सकता है क्लाइंट कल को इसमें कोई चेंजेस करके कोड को ख़राब कर दे, ठीक है. सो ये अच्छी बात है कि आप क्लाइंट को सिर्फ इंटरफेस दे दें, उसको पूरा कोड ना दें,
ठीक है। तो इंटरफेस हम किस तरह भी डिवाइड करेंगे डिफरेंट हिस्सों में, सो इन दिस वे द इम्प्लीमेंटेशन विल बिकम सेपरेट फ्रॉम इंटरफेस। चेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन विल नॉट अफेक्ट द क्लाइंट एज लॉन्ग एज द पब्लिक इंटरफेस रिमेन द कॉन्स्टेंट। कल को अगर आपने चेंजेस उसमें करने हो तो आप क्या करें, आप अपनी क्लास में बेशक चेंजेस कर दें, लेकिन जो मेन इंटरफेसिस आपने क्लाइंट को दी है उसको चेंज ना करें तो क्लाइंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मकसद यह है कि जिस तरह हम ए प्लस बी करते हैं और हमें आंसर आता है, दो इंटीजर को ऐड करने का हमें आंसर मिलता है प्लस, लेकिन अगर आप सोचें कि कंपाइलर या लैंग्वेज के जो डेवलपर्स हैं वो अगर फॉर एग्जांपल कल को इस प्लस ऑपरेशन में पीछे कुछ चेंजेस कर दे, इसमें न्यू कैपेबिलिटीज़ डाल ले और ये प्लस ऑपरेटर इसी तरह रहे, तो हम फिर भी इसी तरह यूज़ करेंगे, लेकिन हमें पता भी नहीं लगेगा कि पीछे इसके जो ऑपरेशन हो रहे थे या जो जिस तरह काम कर रहा था उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, डिफाइनिंग क्लास इंटरफेस विद फंक्शन प्रोटोटाइप्स। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास को किस तरह डिवाइड करेंगे, हम अपने पूरे प्रोग्राम को जो अभी हम एक फाइल के अंदर लिख रहे थे, यहाँ हमारे पास क्लास भी होता था ठीक है और मेन फंक्शन भी होता था, क्लास के अंदर जितने फंक्शंस है उसके डिफिनीशंस भी होते थे। तो अभी इस एक फाइल को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हमारा इंटरफेस बन जाएगा, एक हमारी इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगी और एक जो है हम जहां उसको यूज़ करेंगे मेन फंक्शन बन जाएगा। सो क्लास डिफाइनिंग अ क्लास इंटरफेस विद फंक्शन प्रोटोटाइप्स। द इंटरफेस कॉन्टेन द क्लास डिफिनीशन हैविंग डेटा मेम्बर्स एंड प्रोटोटाइप्स ऑफ मेम्बर फंक्शंस। तो एक हमारे पास हमारा इंटरफेस हो जाएगा जिसके अंदर हमारा क्लास डिफिनीशन होगा और हमारी क्लास के जो मेंबर फंक्शंस है उसकी प्रोटोटाइप्स होंगे। क्लास डिफिनीशन के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स भी आते हैं और प्रोटोटाइप्स ऑफ द मेंबर फंक्शंस भी आते हैं। दिस इंटरफेस विल बी सेव्ड एज अ हेडर फाइल विद एक्सटेंशन डॉट एच। इस क्लास को हम इसके अंदर हम सिर्फ यही लिखेंगे और विद एक्सटेंशन डॉट एच इसको हम सेव करेंगे। दिस फाइल टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, its return types, the types of the function parameters and the class private data members, because the compiler must know the data members of the class to determine how much memory to reserve for each object of the class. तो header file जो है इसके अंदर हमारे पास class name होता है, member function names होते हैं, उनके return types होते हैं, उनके parameter list होता है और हमारे पास private data members होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कंपाइलर को रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वेयर द कंपाइलर डिसाइड हाउ मच स्पेस टू रिजर्व फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज इंटरफेस। अभी आपने एक क्लाइंट को फॉर एग्जांपल इस तरह एक इंटरफेस दे दिया कि ये क्लास है और इसके ये मेंबर फंक्शंस है, ये मेंबर फंक्शन ये काम करते हैं, तो बस उसको पता चल गया, वो क्या करेगा, जस्ट उन मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा और अपना काम उससे करवाएगा। ओके, एक तो हमारे पास डॉट एच फाइल हो गया जिसके अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप्स होंगे, क्लास डिफिनीशन होगी। नाउ फंक्शन प्रोटोटाइप्स तो हमने लिख दी, अभी फंक्शन प्रोटोटाइप्स के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कहाँ पर होंगी, मींस फंक्शन बॉडीज कहाँ पर होंगे। सो डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इन सेपरेट सोर्स कोड फाइल। अभी उन फंक्शन के बॉडीज जो है हम एक सेपरेट सोर्स कोड फाइल में लिखेंगे। डिफिनीशन ऑफ द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन डॉट एच फाइल विल बी रिटन इन अ सेपरेट डॉट सीपीपी फाइल। वो हमने सेव किया था विद डॉट एच फाइल जो इंटरफेस था हमारा, और एक्चुअल डिफिनीशंस जो है फंक्शन के वो हम सेव करेंगे इन डॉट सीपीपी फाइल। दिस फाइल इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फाइल, असल फाइल ये है क्योंकि इसमें पूरा लॉजिक स्टोर होता है हमारा। हम फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मेंबर फंक्शन में ही करते हैं और मेंबर फंक्शन में ही हमारा एक्चुअल लॉजिक होता है। चेंजेस इन दिस फाइल विल नॉट अफेक्ट डॉट एच फाइल। कल को अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो डॉट एच फाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उधर सिर्फ डेफिनेशन से सॉरी प्रोटोटाइप से। एज लॉन्ग एज द प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर डिक्लेरेशन रिमेन द सेम। ईच मेंबर फंक्शन नेम इन द फंक्शन हेडर इन दिस फाइल इज प्रीसीडेड बाय द क्लास नेम एंड बाइनरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, अदरवाइज द कंपाइलर विल कंसीडर इट अ ग्लोबल फंक्शन। ये तो हमें पता है कि अगर हमने किसी फंक्शन को क्लास बॉडी के बाहर डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास नेम वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस फाइल में भी हम इसी तरह करेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास नेम से ये पता चलता है कि अच्छा ये फंक्शन जो है दिस फंक्शन बिलोंग्स टू दिस क्लास। वी मस्ट इंक्लूड द डॉट एच फाइल इन दिस डॉट सी पी पी फाइल टू इंडिकेट दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन बिलोंग्स टू द क्लास इन डॉट एच फाइल। इसी फाइल के ये जो हम डॉट सी पी पी फाइल लिख रही है जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन बॉडीज होंगी, इसमें हम अपने डॉट एच फाइल को इंक्लूड करेंगे।
ठीक है। तो इससे ये पता चलता है क्या चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि डॉट एच फाइल के अंदर है। When compiling .cpp file, the compiler uses the information in .h file to ensure that the .cpp must match appropriate prototypes in .h file, and each member function knows about the class data members and the member functions. ठीक है, तो जब हम कंपाइलेशन करते हैं तो डॉट सी पी पी फाइल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं या उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हम यूज़ किए होते हैं वो उनके एक्चुअल प्रोटोटाइप्स और डाटा मेंबर्स के एक्चुअल डिक्लेरेशंस तो डॉट एच फाइल में होते हैं, तो उन दोनों का होना ज़रूरी है। कंपाइलर वहाँ से इंफॉर्मेशन उठाता है और अकॉर्डिंगली फिर इसको कंपाइल करता है यूजिंग डॉट एच इंटरफेस फाइल। अब इस इंटरफेस फाइल को हम किस तरह यूज़ करेंगे, टू यूज़ द इंटरफेस फाइल वी मस्ट इंक्लूड द डॉट एच फाइल इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम जिसके अंदर हमारे पास हमारा मेन फंक्शन होगा उसमें हम डॉट एच इंटरफेस फाइल को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। सेपरेटिंग इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस डज नॉट इफेक्ट द वे वी राइट द प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो जिस तरह हम प्रोग्राम पहले लिखते थे अभी भी उस तरह लिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, उस प्रोग्राम को हमने तीन फाइल्स में डिवाइड कर दिया। सो इट इफेक्ट्स ओनली द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड लिंक। ठीक है, सो कंपाइलेशन और लिंकिंग सिर्फ इफेक्ट होता है, बाकी जो है वही प्रोग्राम है उसी तरह है, लेकिन हमने ये डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास लाइब्रेरीज होती है एक वो भी इसी तरह होती है। हमारे पास जो डॉट एच फाइल किसी लाइब्रेरी की होती है वो हमारे पास होता है इन सोर्स कोड फॉर्म। ठीक है, मीन्स सोर्स कोड फॉर्म में होता है, और जो हमारे पास उसकी एक्चुअल लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, कंपाइल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जब हम किसी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर डॉट एच फाइल के थ्रू इंक्लूड करते हैं तो यहाँ सोर्स कोड आ जाता है, और लिंकर आफ्टर कंपाइलेशन जो है हमारे पास सोर्स कोड ये आ गया, फंक्शन कॉल हमारे प्रोग्राम में हो जाता है, और एक्चुअल बॉडीज होते हैं वो मशीन फॉर्म में होते हैं, बाद में लिंकर उसको लिंक करता है तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो द कंपाइलेशन एंड लिंकिंग प्रोसेस ऑफ एन क्लास इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन आर क्रिएटेड एंड कंपाइल्ड बाय वन प्रोग्रामर एंड यूज बाय सेपरेट प्रोग्रामर्स हु इम्प्लीमेंट्स द क्लाइंट कोड दैट यूजेस द क्लास। वही बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लाइब्रेरी बनाई है तो आपकी लाइब्रेरी और प्रोग्रामर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने लाइब्रेरी बना दी, क्रिएट की, आपने कंपाइल कर दी, अभी आपने लोगों को दे दी और वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। व्हेन द क्लाइंट कोड इज कंपाइल्ड द कंपाइलर यूजेस द क्लास डेफिनेशन इन डॉट एच टू इंश्योर दैट द मेन फंक्शन क्रिएट्स एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन डॉट एच फाइल करेक्टली। ठीक है, तो जिस तरह हम फॉर एग्जांपल आई स्ट्रीम यूज़ करते हैं और आई स्ट्रीम के अंदर सी इन सी आउट होता है। ठीक है, तो सी इन सी आउट का पता कहाँ से चलता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन डॉट एच फाइल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स कोड होता है, आफ्टर कंपाइलेशन हमारा पूरा प्रोग्राम जो है विद अलॉन्ग विद डॉट एच फाइल मशीन कोड में चेंज हो जाता है, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सी इन सी आउट का जो होता है वो लाइब्रेरी में मशीन कोड में होता है। तो हमारा प्रोग्राम भी मशीन कोड में आ गया, उधर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मशीन कोड में है, दोनों में कंपेटेबिलिटी आ गई तो प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेड बुक एक फॉर क्लास है, तो देखिए यहाँ पर क्लास डिफिनीशन होगी इसकी, मीन्स यहाँ पर हमने क्लास को डिफाइन किया है, इसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शन के जस्ट प्रोटोटाइप्स यहाँ पर होंगे। अब इन मेंबर फंक्शन के जो डिफिनीशन है वो हम एक अलग डॉट सी पी पी फाइल में लिखेंगे, इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास कंपाइल फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास सी प्लस प्लस फॉर्म में है मीन सोर्स कोड फॉर्म में है। ठीक है, और ये हमारे पास मशीन फॉर्म में आ गया, कंपाइल फॉर्म में आ गया। सिमिलरली हम जब अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसमें मेन फंक्शन लिखेंगे तो उसमें हम इस डॉट एच फाइल को इंक्लूड करेंगे। हमने अपने फंक्शन को लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया, फिर हमने इसको कंपाइल कर दिया, तो देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। यहाँ उन फंक्शन के डिफिनीशंस जो है वो भी कंपाइल्ड फॉर्म में है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम भी कंपाइल्ड फॉर्म में आ गया, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के भी सी इन सी आउट या और ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए होंगे, क्लासेस यूज़ किए होंगे, वो ऑलरेडी हमारे पास लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में उसकी डिफिनीशंस जो है वो भी कंपाइल्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रोग्राम भी कंपाइल फॉर्म में आ गया, यहाँ भी कंपाइल फॉर्म में कोड मौजूद है, ये भी कंपाइल फॉर्म में कोड मौजूद है। तो यहाँ से
अगर हमने फॉर एग्जांपल अपने ग्रेड बुक की किसी फंक्शन को कॉल किया हो तो लिंकर क्या करता है, यहाँ से लिंक क्रिएट करता है इसके साथ, लिंकर का यही काम है। सिमिलरली अगर हमने सी इन सी आउट या इस तरह कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के किसी फंक्शन को कॉल किया हो तो लिंकर क्या करता है, इसका लिंक क्रिएट करता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाले कोड के साथ। तो लिंकर का यही काम है, आफ्टर कंपाइलेशन डिफरेंट प्रोग्राम को वो डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड को आपस में लिंक करता है और हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, जितने भी फंक्शन इसको रिकॉर्ड होते हैं उनके दरमियान लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल प्रोग्राम वर्क्स। एडवांटेजेस इसके क्या है, सो ईजियर टू मॉडिफाई प्रोग्राम्स। एडवांटेज ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर इंटरफेस में चेंजेस नहीं करनी है, आपने सिर्फ उसके इंप्लीमेंटेशन में चेंजेस करने हैं, तो बस एक .cpp फाइल है उसमें चेंजेस करके दोबारा कंपाइल करके क्लाइंट को दे दे, बस बात ख़त्म। क्लाइंट्स को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने अपने प्रोग्राम्स को अभी किस तरह यूज़ करना है, किस तरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपने जस्ट इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस की है। इसका मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आप कंसीडर कर कल को कोई नई कार आ रही है और उसमें फॉर एग्जांपल वो ऐसे ब्रेक लगाने का जो फॉर एग्जांपल अंदाज़ होता है वो उन्होंने इम्प्रूव किया होता है, तो इंटरफेस तो वही होता है, ब्रेक होता है, लेकिन वो या तो स्मूथली फॉर एग्जांपल खुद ब खुद रुक जाता है जब आप ब्रेक दबाते हैं, या इस तरह इंटरनली उसमें इंप्लीमेंटेशन में उन्होंने कुछ चेंजेस किए होते हैं। तो इंटरफेस तो वही होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी चेंज होती है, तो कोई मसला नहीं होता, वो ईजीली उसको मॉडिफाई करते हैं और उससे क्लाइंट जो इफेक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हेडर फाइल कंटेंट पोर्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप तो क्लाइंट से डिटेल हाइड कर रही है लेकिन ये तो फिर भी हेडर फाइल के अंदर क्लास डिफिनीशन मौजूद है, फंक्शन प्रोटोटाइप्स मौजूद है, प्राइवेट डेटा मेम्बर मौजूद है, तो ये तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पोर्शन अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो क्लाइंट को नज़र आता है। इनलाइन मेंबर फंक्शन, अगर आपने मेंबर फंक्शन को इनलाइन बनाना हो तो ये है, हमने पढ़ा था कि जो मेंबर फंक्शंस क्लास के अंदर हम लिख देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, तो अगर आपने इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन फंक्शन ले ली तो वो भी यूज़र को नज़र आएंगे, सोर्स कोड के फॉर्म में होंगे, तो हो सकता है उसमें चेंजेस कर दें। ठीक है, हैंड्स अबाउट अदर इम्प्लीमेंटेशन, जब यूज़र को क्लास का पता चल गया, प्राइवेट डेटा मेम्बर्स का पता चल गया, फंक्शन प्रोटोटाइप्स का पता चल गया, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो ही जाता है। ठीक है, और सिमिलरली प्राइवेट मेंबर्स भी उसको नज़र आती है। सो अगर आप फर्दर प्राइवेसी चाहते हैं, सो वी कैन हाइड मोर विद प्रॉक्सी क्लास। ठीक है, सो दिस वाज हाउ टू सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह हम इस अपने एक क्लास को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक माई चैनल, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।